बीए फर्स्ट ईयर हिंदी का मॉडल पेपर, फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी लिटरेचर, ये प्रीवियस का पेपर है दोस्तों, ऑल यूनिवर्सिटी के लिए पेपर है दोस्तों। जिन लोगों का हिंदी का पेपर लगा हुआ है 2024 का, उन लोगों के लिए क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। जो लोग एमए या टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो लोग भी तैयार कर लेंगे दोस्तों। ये क्वेश्चन कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं, आल यूनिवर्सिटी के लिए ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। आइए देखते हैं क्वेश्चन। आदिकाल के दो ग्रंथों के नाम लिखिए। तो आंसर पृथ्वीराज रासो, दूसरा है जयचंद्र प्रकाश। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, को सड़ियों किस विद्वान ने कहा है, चलिए जानते हैं। तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने लिखा है कि जिस युग में कबीर दास जी, जायफी यानी कि मलिक मोहम्मद जाकिर, सूरदास जी, तुलसीदास जैसे सुप्रसिद्ध कवियों और महात्माओं की दिव्यवाणी उनके अंत करणों से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी, उसी साहित्य के इतिहास में सामान्यता भक्त युग कहते हैं। ठीक है, इसी साहित्य के इतिहास में सामान्यता भक्त युग कहते हैं, निश्चय ही वह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग होगा। यानी कि जिस युग में, जिस समय में कबीर जायफी जैसे बहुत ही पॉपुलर कवि रहे हैं और जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से कोने कोने में अपना जो ज्ञान है वो फैलाया है, ठीक है, उस युग को तो हम स्वर्ण युग यानी सोने का युग कह सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इन्होंने परिभाषा दी जो कि हाई लेवल की एग्जाम में आने की पूरी उम्मीद है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भक्त काल के तीन प्रमुख कवि, तो भक्त काल के तीन प्रमुख कवि हैं कबीरदास जी, जायसी जी और सूरदास जी। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के नजरिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से सुनते रहिएगा। और ये प्रश्न आपके अति लघु उत्तर में भी आ सकते हैं, लघु उत्तर में भी आ सकते हैं, दीर्घ उत्तर में भी आ सकते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे और आपको संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए भी आएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भक्ति काल में भक्ति भावना के कौन से रूप हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप इग्नोर कर सकते हैं, बाकी आप चार्ज पढ़ भी सकते हैं, हम तो इसको इग्नोर करेंगे। अगला क्वेश्चन टॉप लेवल का है कि भैया भक्ति काल की प्रमुख काव्य शाखाएं कौन कौन सी हैं। तो नंबर एक शाखा है संत काव्य शाखा, दूसरी है सूफी शाखा, सॉरी सूफी काव्य शाखा, और तीसरी है राम काव्य शाखा, और चौथी है कृष्ण काव्य शाखा। ये पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड है एग्जाम में, तो इसको ध्यान रखेंगे, इसको तैयार कर लीजिएगा। ओके, देखिए हम आप सभी के समस्त क्वेश्चन के अलावा आंसर भी प्रोवाइड किए हैं जो कि आपके एग्जाम में इस बार आने की पूरी उम्मीद है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पिछले सालों में कई बार रिपीटेड हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा ताकि आप अच्छे से अपने एग्जाम को दे पाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भक्ति काल की तीन प्रमुख विशेषताएं, ये भी हाई लेवल का क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखेंगे। भक्ति काल की पहली विशेषता है भक्ति का प्रधान्य, दूसरा है आदर्श एवं सुधारवादी मानवृत्ति, तीसरा है गुरु की महत्ता। ठीक है, देखिए ज्यादा हम आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे इस वीडियो में क्योंकि आप सभी की रिसेंटली परीक्षा लगी हुई है, तो इसलिए हम आपको क्वेश्चन और आंसर और मेन टॉप के क्वेश्चन बता दे रहे हैं ताकि आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, उसको बाद में आप लोग रिपीट करके रिविजन करके पढ़ते रहिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भक्त काल के चार प्रमुख कवि कौन कौन से, याद रखेंगे भक्त काल के चार प्रमुख कवि हैं कबीरदास जी, जायफी जी, सूरदास जी, तुलसीदास जी, ये प्रमुख भक्तकाल के प्रमुख कवि हैं। हालांकि और भी बहुत सारे हैं लेकिन इतने ही लिख देंगे तो काफी आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निर्गुण भक्ति के दोनों शाखाओं के नाम बताइए। जो निर्गुण भक्ति शाखा होती है उसके दो शाखा होती है, उसके नाम बताना है। तो पहला है निर्गुण भक्ति की ज्ञान मार्गी तथा प्रेम मार्गी, ये दो शाखा है, याद रखेंगे निर्गुण भक्त की। ओके, अगला क्वेश्चन है कि सगुण भक्त की कितनी शाखाएं हैं, तो याद रखेंगे सगुण भक्ति की दो प्रमुख शाखाएं हैं। ठीक है, पहला है राम भक्त शाखा तथा कृष्ण भक्त शाखा, याद रखेंगे सगुण भक्त शाखा की कितनी शाखाएं हैं। ठीक है, सगुण भक्त शाखा की दो है, राम भक्त और कृष्ण भक्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 10 नंबर की निर्गुण भक्त के दो प्रमुख कवियों के नाम बताइए। निर्गुण काव्य धारा के जो, या फिर निर्गुण भक्त के जो काव्य धारा के जो प्रमुख कवि हैं उनके नाम लिखना है निर्गुण के। ठीक है, निर्गुण काव्य धारा के, तो पहले कबीरदास जी, दूसरे जायफी जी, याद रखेंगे ये निर्गुण काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। ठीक है, निर्गुण भक्त काव्य धारा या फिर निर्गुण काव्य धारा, आप कुछ भी कर लीजिए। ठीक है, लेकिन निर्गुण होना चाहिए बस। तो कबीरदास जी, जायफी जी हैं। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन हाई लेवल के आएंगे। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि कृष्ण भक्त शाखा के दो प्रमुख कवि बताइए। तो कृष्ण भक्त शाखा के दो प्रमुख कवि याद रख लीजिएगा, सूरदास जी है और नंददास जी है। ये क्या है, कृष्ण के प्रेमी हो, कृष्ण से संबंधित रचनाएं रचते हैं, इसलिए इन्हें कृष्ण भक्त शाखा के कवि कहा जाता है। और जो राम से संबंधित रचनाएं लिखती है, राम को भक्ति मानकर, राम को अपना सब कुछ मानकर, वो राम भक्त शाखा के कवि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्रस्तुत है कि भैया कृष्ण भक्त काव्य शाखा की चार प्रमुख प्रवृत्तियां या फिर चार प्रमुख विशेषताएं, प्रवृत्तियां या फिर विशेषताएं, तो दोनों का मतलब एक ही होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो पहला है इष्ट देव श्री कृष्ण जी, दूसरा है संग्रह, ठीक है, संग्रह के संयोग एवं वियोग का मार्मिक वर्णन किया गया, ये भी बहुत अच्छा विशेषता है। और तीसरी है दाम्पत्य एवं सखा भाव की भक्ति की गई, यानी कि सखा का मतलब आप लोग समझते हैं भाईचारा या फिर फ्रेंड दोस्त, ठीक है, उसके बारे में बहुत ही भाव भक्ति की तरह इसमें वर्णन किया गया, बहुत ही प्रमुख विशेष है। और अगला है कृष्ण के बाल जीवन का सजीव झांकी किया गया, यानी कि कृष्ण जी जो बच्चे थे तो एकदम छोटे थे, उनका जीवन है वो कैसे कैसे बड़ा हुआ, झांकियों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया, बहुत ही प्रमुख विशेषता है, ये हाई लेवल का क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मैंने आपको बता दिया आपके एग्जाम के लिए, आज एग्जाम के लिए ही नहीं, फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, आपके आने वाले हिंदी के अन्य भी अगर आपका कहीं पर भी पेपर होगा तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। और राम भक्त शाखा के दो विशेषताएं, तो पहली विशेषता है लोक मंगल की कामना, दूसरी है महान आदर्शों की कल्पना, ये क्वेश्चन हाई लेवल का, इस बात को ध्यान रखेंगे, इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, दो विशेषता ये हो गई। अगला क्वेश्चन दे रहा है राम भक्त शाखा के प्रमुख कवि का क्या नाम है, तो ध्यान रखेंगे इस बात को, राम भक्त की बात हो रही तो राम भक्त की सबसे प्रमुख और सबसे टॉप कवि में से जो एक है उनका नाम है गोस्वामी तुलसीदास, यही प्रमुख कवि है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है कि भक्तकालीन काव्य की रचना किन भाषाओं में हो, जो भक्तकाल की जो रचनाएं हैं, जो भी काव्य हैं, जो भी कविताएं हैं, उनकी जो रचना है वो किस भाषा में लिखी गई, ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, भक्तकाल वाली जो रचनाएं रची गई, जो पुस्तक लिखी गई है वो किस भाषा में है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे, वो सभी जो है वो सदोकड़ी भाषा और पंचमेल खिचड़ी अवधी और ब्रज भाषाओं में है। किसमें है, पंचमेल की खिचड़ी जिसको बोला जाता है और ब्रज भाषा और अवधी भाषा, ठीक है, ब्रज और अवधी इन भाषाओं में है, ठीक है, भक्तकाल की जितनी भी रचनाएं हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि राम भक्त शाखा के दो प्रमुख कवि गोस्वामी तुलसीदास जी, भूपति जी, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे, भूपति जी। और अगला क्वेश्चन है कि कृष्ण सही शाखा के दो प्रमुख कवि के नाम तथा उनकी एक एक रचनाएं, मतलब कि कृष्ण भक्त शाखा के दो प्रमुख कवि कौन कौन सी हैं और उनकी जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी रची हैं उनके बारे में बताना है। तो भैया प्रथम आपको लिख देना, सूरदास जी हैं कृष्ण भक्त शाखा के कवि और इन्होंने जो रचना रची है उसका नाम है सूरसागर, और जो दूसरे कवि हैं जिनका नाम है नंददास, इन्होंने भंवर गीत रचना रची है, ठीक है, भंवर गीत जो है बहुत ही पॉपुलर हुई है और सूरदास जी की सूरसागर भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई है, तो दोनों बहुत ही हाई लेवल के टॉपिक है और क्वेश्चन भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भैया कि राम काव्य धारा की रचना किन भाषा में हो, यानी कि जो राम काव्य धारा के कवि हैं उनकी जो भाषा थी वो किस प्रकार की थी, तो इस बात को ध्यान रखेंगे वो अवधी और ब्रज भाषा की थी, ठीक है। अभी आपने कृष्ण काव्य धारा की भाषा जाना था, उसमें सदुकड़ी भी थी और पंचमेल की खिचड़ी और अवधी और ब्रज भाषा भी थी, लेकिन राम भक्त काव्य धारा में सिर्फ और सिर्फ अवधी और ब्रज भाषा में रचनाएं लिखी गई हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे, ओके। अगला कह रहा है कि कृष्ण भक्त शाखा के प्रमुख कवि, मैंने आपको ऊपर बता दिया, आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है, और ये इतना महत्वपूर्ण नहीं, आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। और भक्तिकाल की प्रेमा गार्गी, ये भी कभी कभी आता है, हमेशा नहीं आता है, और प्रेमा गार्गी वाला आप ये वाला ध्यान लिखेंगे, प्रेम मार्गी शाखा की प्रमुख रचनाएं हैं, पद्मावत है, चित्रावती है और मृगावती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन कौन से, ज्ञानाश्रयी की बात हो रही तो ज्ञानाश्रयी में आ जाएंगे कबीरदास जी, रायदास जी आ जाएंगे, ठीक है, मलूकदास जी आ जाएंगे, दादू दयाल जी आ जाएंगे, हालांकि कई सारे आ जाएंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको चार, ज्यादातर प्रश्न आता है कि भैया चार कवि के नाम लिखिए, तो चार जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन प्रस्तुत है, भैया हिंदी साहित्य में रीत परंपरा का प्रचलन किस कवि ने किया है, ठीक है, तो आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं, कोई इतना खास क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अगला बहुत ही महत्वपूर्ण है कि रीत काल के पांच कवियों के नाम लिखेंगे, तो रीत काल के प्रमुख कवि जो केशव व्यास जी हैं, यही है सबसे टॉप लेवल के कवि रीत काल के, ठीक है, दूसरे हैं बोफड़ जी, ठीक है, तीसरे हैं चिंतामणि जी, चौथे हैं देवदास जी और बिहारी जी भी हैं, ठीक है, तो ये है रीत काल के प्रमुख कवि, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है भैया रीत काल के दो रीत ग्रंथों के नाम लिखिए, ठीक है, रीत ग्रंथ कारों के नाम, मतलब जिन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, ठीक है, उसमें केशवदास जी और चिंतामणि जी हैं, ये दो प्रमुख कवि ऐसे हैं जिन्होंने रीतकाल में मतलब ग्रंथ की रचना की है, ठीक है, और ये ग्रंथकार भी हैं, ओके। अगला क्वेश्चन है कि रीतकाल के प्रतिनिधि कवि कौन से हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे, रीतकाल के सबसे ज्यादा जो पॉपुलर हुए हैं, सबसे ज्यादा हाईलाइट जो हुए हैं वो बिहारी जी हैं, तो बिहारी जी जो है ना वो रीतकाल के प्रमुख कवि हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रीत मुक्त धारा के दो कवियों के नाम लिखिए, घनानंद, ठीक है, ये इतना महत्वपूर्ण है, आप इग्नोर कर सकते हैं, ओके।
प्रश्न प्रस्तुत है भैया, रीत काल के दो प्रमुख रचनाएं जो है उनके नाम लिखना है, ठीक है। इसमें से पहली रचना है रामचंद्रिका और दूसरी है बिहारी सतसई। ये दोनों रचनाएं ना बहुत ही पॉपुलर हैं, बहुत ही हाई लेवल की हैं, ठीक है। यानी कुल मिला के आप कह सकते हैं कि रीत काल की जो प्रमुख यानी कि टॉप लेवल में जो रचनाएं आती हैं उनमें सबसे पहले रामचंद्रिका और बिहारी सतसई, मतलब कि सबसे ऊपर अगर काउंट किया जाए तो सबसे टॉप लेवल पे ये रचनाएं रखी जाएंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रीत काल के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, तो बहुत सारे कवि आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है, उत्तर देख लीजिए, मैंने आपको ऊपर चार बताए भी थे और भी बहुत सारे कवि याद रखेंगे। और ये क्वेश्चन आ जाएगा भैया रीत काल के किन्हीं चार विशेषताओं के बारे में बताइए, तो रीत काल के चार प्रमुख विशेषताएं भैया भैया श्रृंगार की जो प्रधानता यानी श्रृंगार रस की उसमें बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा पहले इसका यूज किया जाता था, अलंकार का भी यूज किया जाता था जब मुक्तक शैली उसका भी, और नारी का सही रूप में चित्रण किया जाता था, मतलब कि नारी से संबंधित पूरा चित्रण यानी कि रचनाओं को रचा जाता था, ठीक है। ये प्रमुख विशेषताएं रीतकाल की, ठीक है। अगला प्रश्न है कि रीतकाल के नामकरण पर प्रकाश डालिए, यानी कि जो रीतकाल नाम पड़ा ये कैसे पड़ा इसके बारे में थोड़ा बताइए। तो इस युग में यानी कि रीतकाल के कवियों की प्रवृत्ति रीत संबंधी कविताओं को लिखने में, ठीक है, लिखने में होने के कारण इस युग को रीतकाल के नाम से संबोधित किया जाता है, ठीक है। किसलिए संबोधित किया जाता है कि जो रीतकाल के कवि हैं इनकी जो प्रवृत्ति है, ठीक है, इनकी जो रचनाएं हैं रीति है संबंधी जो कविताएं हैं जिन्होंने पुस्तक लिखी रचनाएं लिखी को लिखने में होने के कारण रीत में होती है, ठीक है। इस वजह से प्रवृत्ति रीत होने के कारण इस युग की जो मतलब की रचनाएं हैं, ठीक है, वो बहुत ही पॉपुलर होती हैं और बहुत ही रीत संबंधित होती हैं, इसलिए इसे रीत काल के नाम से संबोधित किया गया, ठीक है। बाकी आप अपने अनुसार भी तैयार कर सकते हैं, मेरे अनुसार यही परिभाषा है, ओके। अगला क्वेश्चन ये भी महत्वपूर्ण ज्यादातर प्रश्न में आ जाता है, मतलब ज्यादातर जब परीक्षाएं होती थी ये प्रश्न आ जाता है कि रीतबद्ध एवं रीत मुक्त काव्य यानी जो रचनाएं हैं रीत मुक्त की और रीतबद्ध की इसमें अंतर बताइए, तो आप लोग यहाँ पर पढ़ लीजिए। रीत काव्य की श्रेणी में रचनाएं अवलोकनीय हैं जिनमें काव्य तत्वों के लक्षण एवं उदाहरण विद्यमान यानी कि लक्षण भी होते हैं और उदाहरण भी साथ में होता है, और जो रीत मुक्त काव्य होते हैं इसके अंतर्गत वे रचनाएं अवलोकनीय हैं जो साहित्य रूढ़ियों तथा मान्यताओं से मुक्त स्वतंत्र रचनाएं हैं, ठीक है, कुछ रचनाएं जो स्वतंत्र रचनाएं हैं, ठीक है। और इस प्रकार आप लिखेंगे दोनों में सिंपल सा अंतर, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है लेकिन कई बार आया है, रिपीट हुआ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन है कि रीतकालीन कवियों ने किस धारा का अवगमन, मतलब ये कवि का धारा आने वाला क्वेश्चन आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं, अगला क्वेश्चन भी इग्नोर कर सकते हैं, प्रमुख देह क्या ये भी इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। और ये वाला पढ़ लीजिएंगे कि रीतकाल के नामकरण की विवेचना की ये प्रश्न आ सकता है, तो इतिहासकारों ने रीतकाल को कई नाम दिए हैं, सर्वप्रथम मिश्र जो बंधु है इन्होंने अलंकृत का नाम दिया है, भैया जो रीतकाल है वो अलंकृत के नाम से संबोधित किया है इन्होंने, और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने इन्होंने श्रृंगार काल की संज्ञा दी है रीतकाल को, और डॉक्टर रसाल ने इस काल को इस कला का काल कहा है, और जो डॉक्टर रसाल है इन्होंने इसे कला का काल कहा है, ठीक है। रीत काल का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का दिया हुआ है, जो आज आप लोग रीत काल के नाम पे जानते हैं, इसको आचार्य रामचंद्र जी ने इसकी नींव डाली है, इन्होंने इसको पुकारा है, और जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ वो रीत काल ही हुआ है, ठीक है, इनके नाम से जो संबंधित था, ठीक है, रीत काल का नाम इन्होंने ही दिया है, ठीक है। और अन्य नामकरण भी किए गए हैं किंतु उनका अनुसरण नहीं किया गया है, आज हिंदी के सभी विद्वानों एवं आलोचकों उत्तर मध्यकाल को रीतकाल कहकर ही पुकारते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे मध्यकाल को रीतकाल कहकर ही पुकारते हैं, ठीक है। तो रीतकाल बहुत ही पॉपुलर हुआ और इन्होंने न्यू डाली है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो कि बहुत प्रमुख कवि हैं, ठीक है, रीतकाल के। और पुष्ट मार्ग इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं, आप इसे इग्नोर भी कर सकते, ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया, इसको जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। भारतीय सूफी प्राय कितने संप्रदाय में विभक्त है, तो याद रखेंगे पांच संप्रदाय में विभक्त है, पहला चिश्ती, दूसरा कादरी, तीसरा है सोहरावर्दी, और चौथा है आपका नक्शबंदी, और पांचवा है संतारी। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट है, इसको बाद ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन प्रस्तुत है भैया कि कृष्ण काव्य शाखा का प्रवर्तक किसे माना जाता, बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे कृष्ण काव्य जो है उस शाखा, ठीक है, उस ब्रांच का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो याद रखेंगे उसे कहा जाता है स्वामी वल्लभाचार्य, ठीक है, क्या कहा जाता है स्वामी वल्लभाचार्य, बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है, याद रखेंगे, ओके। अगला क्वेश्चन कह रहा है भैया कृष्ण भक्त शाखा के काव्य में किस भाषा एवं छंद का प्रयोग किया गया, यानी कि जो कृष्ण भक्त शाखा है उसमें जो रचनाएं हैं उसमें भाषा कौन सी यूज हुई और छंद कौन सा प्रयोग हुआ, तो याद रखेंगे जो भाषा है वो या ब्रज भाषा यूज हुई और जो छंद हुए हैं, ठीक है, वे गेय पदों का प्रयोग किया गया, किन का गेय के जो पद है उनका यूज किया गया है कृष्ण भक्त शाखा की जितनी भी रचनाएं उसमें ज्यादातर, ठीक है। और अगला प्रश्न कह रहा भैया कि निर्गुण काव्य धारा या फिर निर्गुण धारा में सगुण धारा की दो समानताएं मतलब सिमिलैरिटी का उल्लेख कीजिए, तो ध्यान रखेंगे दोनों की भगवान के प्रति अनन्य भक्ति है, मतलब कि निर्गुण भक्त शाखा में और सगुण भक्त शाखा में दोनों दोनों जो शाखाएं हैं इनमें धारा है, ठीक है,
फिल्म में भगवान के ही प्रति जो प्रेम का वो वर्णन किया गया है, ठीक है। और दूसरा है कि भोंगू और तथा आमन, ठीक है, आडम्बरों का दोनों शाखाओं के कवियों ने प्रबल विरोध किया है, ठीक है। कुछ आडम्बर थे और कुछ ढोंग थे, ठीक है, उन सभी चीज का इन्होंने दोनों शाखा के जो कवि थे, चाहे निर्गुण के हो चाहे सगुण के हो, इन्होंने विरोध बराबर किया कि भैया ये जो फालतू के फ्वाह फैलने जो ढोंग आडम्बर हैं इनका विरोध करते थे, ठीक है। तो ये दो समानताएं पाई गई हैं। अगला क्वेश्चन है भैया कि कृष्ण भक्त शाखा के शाखा का प्रतिपाद्य विषय क्या है, आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन भैया क्या कह रहा है कि भैया प्रेम मार्गी शाखा के नामकरण के आधार क्या है, तो ये भी इतना महत्वपूर्ण नहीं, आप इसे भी इग्नोर कर सकते हैं, मेरे अकॉर्डिंग है। बाकी क्वेश्चन है आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रीतबद्ध धारा के कुछ प्रमुख कवियों के नाम बताइए, तो रीतबद्ध धारा के कुछ प्रमुख कवि जिनका नाम है केशवदास जी, चिंतामणि जी और श्रुति मिश्र जी, श्रीपत जी और भिखारीदास जी, सोमनाथ जी, ठीक है। इसमें से जो आपको पॉसिबल हो सके तीन चार वो याद कर लेंगे, बाकी आपको ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भैया रीत मुक्त धारा के सर्व प्रमुख कवि का क्या नाम, मतलब कि रीत मुक्त धारा के जो सबसे प्रमुख कवि हैं उनका क्या नाम है, तो उनका नाम है याद रखेंगे, रीत मुक्त धारा के सर्व प्रमुख कवि हैं घनानंद जी, बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत ही हाई लेवल का प्रस्तुत होने जा रहा है कि अष्टछाप कवियों का नाम उल्लेख कीजिए, आपने एक रचना अपनी होगी जिसका नाम है अष्टछाप, ठीक है। तो अष्टछाप बहुत ही पॉपुलर रचना है और बहुत ही पॉपुलर एक तरीके से क्वेश्चन भी है और एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं, ठीक है। आचार्य बल्लभ के पुत्र स्वामी विठल नाथ ने बल्लभाचार्य के चार शिष्यों कुंभन दास, सूरदास और परमानंद दास, कृष्णदास तथा अन्य चार शिष्यों गोविंद स्वामी, नंददास, छित स्वामी एवं चतुर्भुज को लेकर अष्टछाप या अष्ट सखा का मंडल बनाया था। अष्टछाप कवियों में महात्मा सूरदास का प्रमुख स्थान है, यानी कि अष्टछाप की जो रचना है विठलनाथ से इसकी हुई है, ठीक है, किससे हुई, गोस्वामी विठलनाथ ने बल्लभाचार्य के चार शिष्यों को इसमें इंक्लूड किया और कुछ जो अन्य शिष्य थे उनको भी इंक्लूड किया है, ठीक है। इसलिए ये पूरा का पूरा अष्ट सखा या फिर अष्टछाप का मंडल बना और अष्टछाप कवि में जो सबसे महात्मा जी हैं, जो सबसे पॉपुलर हुए हैं, जो महात्मा माना जाता है, उस सूरदास को प्रमुख स्थान दिया गया, ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो सीधी हाई लेवल का क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण याद रखेंगे, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि अष्टछाप के प्रमुख कवियों के नाम लिखे, तो आप इसी तरह लिख देंगे, ठीक है, जो कवि है। अगला क्वेश्चन कि आधुनिक कविता की तीन विशेषताएं बताइए, यानी कि आधुनिक मतलब करंट की जो मतलब कि आधुनिक जो कविता है, ठीक है, उसकी विशेषताएं क्या क्या है, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान रखेंगे। आज की जो रचना है उसमें राष्ट्र प्रेम दिखता है, खड़ी बोली में काव्य रचनाएं होती है, यानी कि खड़ी बोली में जो रचनाएं होती है, कविताएं होती है वो रची जाती है और उनका एक प्रतीक होता है, मतलब एक तरीके से वो किसी चीज को इंडिकेट करती हुई होती है, ठीक है, इसीलिए बोला जा रहा है प्रत्यात्मकता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भैया आधुनिक काल के प्रथम युग का क्या नाम है, आधुनिक काल के प्रथम युग का क्या नाम है, याद रखेंगे आधुनिक काल के प्रथम युग का नाम भारतेंदु युग है, बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है, ओके। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतेंदु युग के प्रमुख दो कवियों के नाम लिखिए, तो भाई देख लीजिए यहाँ पर प्रताप नारायण मिश्र जी हैं और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी भी हैं, दो हैं प्रमुख कवि। अगला क्वेश्चन कि भारतेंदु युग की कविता की विशेषताएं क्या भैया, उसमें क्या विशेषता, तो उसमें कविता में राष्ट्रीयता यानी कि देश प्रेम यानी कि राष्ट्र यानी देश को लेकर उसमें रचनाएं रची गई हैं उसको देखते हुए और ठीक है एवं समर्पण आदि के संदेश निहित हैं, ठीक है। पहला तो कविता में राष्ट्रीयता, ठीक है, और दूसरा समन्वय एवं समर्पण आदि का संदेश निहित है भारतेंदु युग की जो भी रचनाएं हैं उसमें, ये मुख्य विशेषता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है द्विवेदी युग के दो प्रमुख कवि हैं, उनके नाम लिखे, तो द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं ध्यान रखेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय, इनको हरि औध की उपाधि मिली है, ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय पहले हैं और दूसरे हैं मैथिली शरण गुप्त, ठीक है, ये दो प्रमुख कवि हैं द्विवेदी युग के, ठीक है, ये क्वेश्चन के अनुसार उसका उत्तर। अगला क्वेश्चन भैया कह रहा है कि द्विवेदी युग के दो महाकाव्यों के नाम लिखे, तो द्विवेदी युग के जो पॉपुलर महाकाव्य जो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल मतलब कि ज्यादा लोगों तक पहुंचे हैं जिनके बारे में लोगों ने समझा है पढ़ा है, वो नंबर एक पे है साकेत और नंबर दो पे है प्रिय प्रवासी, दो द्विवेदी युग के प्रमुख महाकाव्य हैं, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भैया द्विवेदी युग का प्रतिनिधित्व किस कवि ने किया है, तो द्विवेदी युग की जो स्टार्टिंग है वो किसके द्वारा की गई है, तो याद रखेंगे राष्ट्र कवि मैथिली शरणगुप्त ने द्विवेदी युग जो है इसका प्रतिनिधित्व किया था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे। द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों के नाम देखिए प्रस्तुत है मैथिली शरणगुप्त जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, राम नरेय, बहुत सारे कवि हैं, आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है द्विवेदी युग की जो रचनाएं थी जो कविताएं थी उनकी विशेषता क्या थी, तो आप लोग पढ़ लीजिए वर्णन प्रधान, अतीत गौरव का बखान था, आदर्शवादिता थी, देश प्रेम था,
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक कविता को कितने भागों में विभक्त किया गया। जो आधुनिक कविता है वो कितने भागों में विभक्त किया गया, तो याद रखेंगे 5 भागों में विभक्त किया गया। पहला भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावादी, प्रगतिवादी युग और प्रगतिवादी और नई कविता, ये प्रमुख 5 भाग है जिनमें आधुनिक युग की जो रचनाएं कविताएं उनको विभक्त किया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है भैया कि छायावादी काव्य की किन्हीं 3 विशेषताओं के नाम लिखे। तो छायावाद की जो 3 विशेषताएं हैं उसमें पहला है प्रेम एवं सौंदर्य का निरूपण किया गया, यानी कि प्रेम के बारे में और किसी चीज की सुंदरता के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। वेदना एवं निराश की भावना को व्यक्त किया गया है। नारी के गरिमामय रूप का चित्रण किया गया है। तो ये 3 प्रमुख विशेषताएं हैं छायावादी, ठीक है, छायावादी काव्य की। ओके, अगला क्वेश्चन नई कविता से जुड़ा आएगा कि नई कविता के प्रमुख कवि कौन कौन से। तो नई कविता के प्रमुख कवि हैं सच्चिदानंद जी हैं, और सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य यज्ञ जी हैं, गजानंद एवं माधव मुक्ति बोध जी हैं, और वीरेंद्र कुमार जैन जी हैं, भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं, धर्मेंद्र भारती जी हैं। ये नई कविता के प्रमुख कवि हैं, ठीक है। जैसे कि आपने छायावादी पढ़ा है, आपने प्रगतिवादी युग पढ़ा है, इसी तरह नई कविता अभी है, ठीक है, युग एक तरीके से बोल सकते हैं। तो इसके कुछ प्रमुख कवि हैं, ठीक है, नई कविता युग के। ओके, और अगला क्वेश्चन भैया प्रस्तुत है कि समकालीन हिंदी कविता से क्या अभिप्राय है। तो स्वतंत्रतोत्तर हिंदी कविता के लिए जो सर्वाधिक प्रचलित नाम है वो है समकालीन कविता। कुछ विचारकों समीक्षकों के अनुसार 1960 तक नई कविता मर चुकी थी, और विश्व 1960 के बाद के युग को समा, ठीक है, समकालीन कविता नाम देते हैं, यानी कि कुछ समय के लिए ये एक नामो निशान हट गया था, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो उभरी, ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि समकालीन कविता धारा के आगे बढ़ाने का मुख्य श्रेय किस कवि को जाता था, यानी कि जो कविता है इसको बढ़ाने का, यानी काव्य धारा जो है कविता, ठीक है, काव्य कविता जो होती है इसको जो बढ़ाने का मुख्य श्रेय किसी का जाता है, वो जाता है धूमिल जी को। इन्होंने कविता को बहुत ही, काव्य धारा जो है कविता, इसको बहुत आगे तक बढ़ाया, ठीक है, मुख्य श्रेय इन्हीं को जाता है। तो इस प्रकार आपके परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये नहीं कह रहा हूं मैं कि सारे के सारे यही प्रश्न आएंगे परीक्षा में, मैं ये भरोसा दिला सकता हूं कि 60 प्रश्न मैंने इस वीडियो में आपको बताए हैं, तो इसमें से करीब करीब 7 से 8 प्रश्न जरूर आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो 7 से 8 प्रश्न का मतलब हो गया, अगर आपकी परीक्षा 75 नंबर की होती तो कम से कम इस वीडियो से आपको कम से कम, ठीक है, 25 से 35 नंबर की हेल्प जरूर मिलेगी सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो से, ठीक है। बस आपको समझना होगा, हो सकता है प्रश्न आपकी परीक्षा में इसी में से अतिलघु उत्तर में आए, हो सकता है लघु उत्तर में आए, हो सकता है दीर्घ उत्तर में आए, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। बाकी हमने और भी महासंग्राम वीडियो डाल रखे हैं, उसको भी दे सकते हैं, और जो भी छात्र हमें मैसेज करेंगे उनको हम पूरी की पूरी पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, और साथ साथ में हम आपको प्रीवियस यानी कि पिछले साल का जो मॉडल पेपर पूछा गया था, ठीक है, उसको भी हम आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन जो छात्र हमें मैसेज करेंगे उन्हीं को, ठीक है। और बाकी आप एग्जाम की तैयारी करिए, हम आप लोगों के लिए पूरी तरह सपोर्टिव है। और भी कबीरदास, तुलसीदास, जो अन्य कवि हैं उनसे वीडियो क्वेश्चन आएंगे, और व्याख्या करने के लिए भी आएगा, तो आप व्याख्या अच्छे से दीजिएगा, ठीक है, भले ही आप लोग बना बना के लिख दीजिएगा, लेकिन व्याख्या जरूर लिखिएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। हमारा वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।